हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। साइंस का फिजिक्स पार्ट फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो इस चैप्टर को आज हम लोग सिर्फ एक फ्लो चार्ट के हेल्प से पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक फ्लो चार्ट के हेल्प से इस चैप्टर को समझने के लिए। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? ऐसा क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड। ओके, फिर फिजिकल क्वांटिटीज टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल एंड सेकेंड वन इज डिराइव्ड। तो व्हाट इज फंडामेंटल? डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटीज। ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहती है। तो उसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करेंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। डायरेक्ट क्वांटिटी क्या होती है? डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, जो अदर क्वांटिटी पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एरिया, डेंसिटी, वेलोसिटी, एटीसी, ऐसी बहुत सारी है। ओके, फिर लेंथ का एसआई यूनिट। एसआई यूनिट जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में हम लोग उसी भी यूनिट से मेजर करते हैं। ओके, तो लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? मीटर, एम। मास का किलोग्राम, केजी। टाइम सेकेंड, एस। टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल के। ओके, नाउ टेम्परेचर इज नाउ लेंथ को हम लोग मेजर किससे करते हैं? मेजरिंग टेप। ओके, फिर मास बीम बैलेंस, टाइम फ्रॉम वॉच, और टेम्परेचर को थर्मोमीटर से। फिर थर्मोमीटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्लिनिकल, मिनिमम मैक्सिमम और लेबोरेटरी। मिनिमम मैक्सिमम जो हम लोग डे और नाइट की टेम्परेचर रिकॉर्ड करने के लिए यूज करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो हम लोग लैब में यूज करते हैं, और क्लिनिकल थर्मोमीटर जो हम लोग नॉर्मल सब लोग यूज करते हैं टेम्परेचर नापने के लिए। जैसे हमें कोई फीवर हो गया है तो उसका टेम्परेचर नापने के लिए हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरमेंट। मेजरमेंट के दो फॉर्म्स होते हैं, एक मैग्नीट्यूड और यूनिट। ठीक है, अगर इन दोनों को हम लोग साथ में मेजरमेंट इन दोनों के साथ मिलकर के मेजरमेंट को हम लोग कंप्लीट लिखते हैं। जैसे कि 5 मीटर लिखते हैं, तो 5 जो होगा वो मैग्नीट्यूड होता है और एम जो है वो यूनिट है। एम मतलब मीटर, वो यूनिट रहता है। अब यूनिट भी दो तरीके के होते हैं, एक मल्टीपल एक सब मल्टीपल। मल्टीपल में हम लोग देखते हैं लार्जर फॉर्म्स ऑफ यूनिट, ठीक है, जो बड़े यूनिट होते हैं, और जो सब मल्टीपल में स्मॉलर फॉर्म, जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे लेंथ, तो लेंथ में बड़ा यूनिट क्या हो जाएगा? 1 किलोमीटर, इससे भी बड़ा होता है। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल 1 किलोमीटर से बताया है। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल 1000 मीटर। और छोटा यूनिट कौन सा था? सेंटीमीटर, इससे भी छोटा होता है, मिलीमीटर और भी छोटा होता है, लेकिन मैं सिर्फ सेंटीमीटर से बता रही हूँ। ठीक है, 10^-2 मीटर। फिर मास का 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सेम मास का भी ऐसे होता है, इससे बड़ा भी यूनिट होता है, लेकिन मैं यहाँ पर केजी से बता रही हूँ। ठीक है, फिर 1 mg इज इक्वल टू 10^-3 ग्राम। टाइम का ईयर रहता है, ठीक है, और मिनट, छोटा यूनिट बोलेंगे तो मिनट होता है, सेकंड होता है। टेम्परेचर का बड़ा यूनिट केल्विन हो जाएगा, ठीक है, छोटा यूनिट हो जाएगा डिग्री सेल्सियस, और केल्विन बड़ा यूनिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे फ्लो चार्ट की हेल्प से मैंने इस चैप्टर को इतने छोटे से फॉर्म में आपको समझाया है। ठीक है, लास्ट हमारा है एरर। तो अगर कोई मेजरमेंट करने में अगर कुछ एरर आता है, मतलब कुछ गलती आती है, गलतियां हो जाती है, कुछ पॉइंट में कुछ गलती होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसमें उसका मतलब क्या होता है? हमारा जो देखने का तरीका है ना मेजरमेंट को, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, अलग होता है। अगर हम लोग स्ट्रेट देखेंगे, कोई भी मेजरमेंट जहां से ले रहे हैं हम लोग स्ट्रेट देखेंगे, तो वो हम लोग को करेक्ट मिलेगा। तो इसीलिए रॉन्ग पोजिशन ऑफ आई। अगर हम लोग कोई भी मेजरमेंट ले रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से हम लोग को थोड़ा डिफरेंट दिखेगा स्केल का मेजरमेंट। अगर हम लोग यहाँ से मेजरमेंट लेंगे तो ये हमें परफेक्ट नजर आएगा। तो आई का जो पोजीशन होता है वो मैटर करता है एक राइट मेजरमेंट लेने के लिए।
ओके बच्चों, आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा बहुत इजी वे से। ओके बहुत इजीली हम लोग इस चैप्टर को इतने थोड़े से टाइम में पूरा कवर कर लिए फ्लो चार्ट की हेल्प से। थैंक यू। सो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर इस फ्लो चार्ट की हेल्प से अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो फिर मेरे नए और भी वीडियोस है इस चैप्टर पे जो जिसमें मैंने डिटेल्स में इस चैप्टर को समझाया है, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ओके नाउ थैंक यू।